भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज और ताजी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताजा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी, घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी, अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है? आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताओ हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ, कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूँगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहां भागोगी। तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इसे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था,
तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊँ। और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली, मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू, तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर, आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है, यही सही मौका है इसकी शिकार करने का, इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा, पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा, अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है, रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था, सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था, इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर दो जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया, अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे, इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था,
तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू मैं बाजार घूम कर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं, गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूं, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उसे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ, ये स्वादिष्ट तो होते ही है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा, मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी, सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है। पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नज़र कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का पच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ है और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटा कर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया, उतार इसको
अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, तार इसको। कुन्नू ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा। कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू ये तुम क्या कर रहे हो, उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो, कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा, छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता, उससे पहले ही उसके दादा टुनू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू ये दूध लाल क्यों है, क्या मिलाया है इसमें, कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है। दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जान जाते हैं। तब तक रॉकी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था, शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है, तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी मुझे माफ कर दे प्लीज, सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कब्बे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आवाज, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो, वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली, देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे? फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं, अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो
जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं। आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया, मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी, तभी पीलू की नज़र कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है। फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओ ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ बहन परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाक सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं। क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुरा कर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।